थर्ड एसी का था और वो वेटिंग में था। फिर मैंने एक बार आरटीआई डाली आईआर से डीसी में, उनसे पूछा कि ये जो अमाउंट मेरा डिडक्ट हुआ है इससे कितने और पैसेंजर है, क्योंकि मैं अकेला तो हूँ नहीं। और ये भी 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक बस। डिसअपॉइंट हुआ यार, ये क्या बात है। एक्चुअली अपन जब आप कभी भी जाएंगे रेलवे में, अगर आप टिकट बुक करवाने जाते हैं, अगर आपके काउंटर पे 2 रुपए भी कम है, इनफैक्ट अगर 5 रुपए भी चेंज नहीं है, तो वो आपका बने 1000 का टिकट है, वो टिकट नहीं देंगे आप, वो भगा देंगे, मतलब बहुत ब्रूटली बोल के भगा देंगे कि नहीं पैसे लेके आओ। तो जब आप हमारा टिकट जब हमें 1-2 रुपए अगर कम पड़ जाते हैं तो कॉपरेट नहीं करते, तो हम क्यों आपको मतलब अभी मक्कारी कर देते, दे नहीं देते जान, फिर टाल देते, फिर एक जिद थी मैम कि बस सबको लेना है। मुझे कोई इंटीमेशन नहीं आता, मुझे हर बार इंटीमेशन भाई क्या चल रहा है स्टेटस, उसके लिए आरटीआई डालनी पड़ती है कि अब मुझे प्रोग्रेस बताओ। तो जैसे प्रोग्रेस बताते तो IRCTC रेलवे बोर्ड के ऊपर भी डाल देता, फिर रेलवे बोर्ड RTI इसके लगभग 2 महीने में रिप्लाई करता, तो फिर मैं RTI का स्टेटस जानता कि इस RTI का क्या रिप्लाई दिया आप लोगों ने। तीन लाख पैसेंजर है, उनका 2,43,00,000 रुपए पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो, 2017 से दबा के बैठे हो, अगर थोड़ी ईमानदारी बची तो रिटर्न कर दो। मुझे रिफंड आया, मैंने 500 रुपए फंड में डोनेट करके मैंने थैंक यू बोल दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद, 5 साल बाद मुझे पैसे मिले और ये पैसा आप ही रखूंगा।